हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। 11 अक्टूबर के इस लेसन में आपका स्वागत है। और इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज जो है इंपॉर्टेंट समिट भी स्टार्ट होने वाला है इंडिया चाइना के बीच में, मामल्लपुरम में। तो चीज़ें बहुत यूनिक हैं, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेड कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं 159 रुपीज़ पर मंथ में। और गौरव सर, महिपाल सर और प्रशांत सर के वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म में और मच बेटर वे में अवेलेबल है। और कुछ भी जो है भारी नहीं पड़ने वाला स्टूडेंट्स को, और बहुत एक्सेलेंट वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे जो हेल्प, एक रियल हेल्प होगी एग्जाम के लिए। पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेंडिंग के ऊपर है। इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, और जो भी इशूज़ हैं कार्ड वगैरह के, और वो जो हैं वो जो नंबर दिए हुए उस पर आप जरूर से कॉल करना दिन के टाइम पर, और वहाँ पर आपकी क्वेरी जो है सॉल्व हो जाएगी। और चैट सेक्शन भी अवेलेबल है वेबसाइट के एड्रेस के ऊपर, और PDF आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल दिया हुआ उसके ऊपर मिल जाती है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पहला इशू है जो आज मोदी और शी का समिट जो होने वाला है, उससे एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। वो यही है कि एक तो ये इनफॉर्मल समिट होगा, पर्सनल जो उनका आपस में रैपो होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है और कोई MOU या एग्रीमेंट जो है वो इसमें साइन नहीं होने वाले हैं। और जॉइंट कम्युनिक बस एक जो है वो इससे जारी होने वाला है, एक जो इनफॉर्मल होगा। और बायलेटरल डेफिसिट जो है $58 बिलियन का हमारा डेफिसिट है, उसके रिगार्डिंग बात होगी। और 5G के जो ट्रायल स्टार्ट होंगे अभी उसकी बात होगी, क्योंकि हुआवे कंपनी जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है दुनिया भर में। अमेरिका ने तो उसको बैन कर ही दिया है, तो वो चाहता है कि इंडिया में भी ये चीज़ हुआवे को एक्सेस मिले और 5G के ट्रायल्स हो, तो ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा RCEP के जो हैं, RCEP बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन है और भी इश्यूज़ के रिगार्डिंग जब हमने कल डिस्कस किया था उसमें बात ये है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ड्यूटी एंड कर दी जाएगी, तो वो चीज़ें जो है बाहर से इंडिया में आना आसान हो जाएगा। तो इंडिया के इंडस्ट्री को भी उससे धक्का लगेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें यहाँ पर सस्ती मिलेंगी क्योंकि टैरिफ उस पर कम कर दिया जाएगा। तो इसका विरोध भी हो रहा है अभी इंडिया के अंदर, तो RCEP एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर भी यहाँ पर बात होगी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और इन्फॉर्मल समिट का हिस्सा होगा जो स्पेशल स्टेटस जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंट्रीज़ के बाउंड्री टॉक्स के ऊपर, वहाँ पर ट्रेड मिनिस्टर्स के बीच में बात होगी। काउंटर टेरर एक्सरसाइजेस जो है उसके ऊपर बात होगी, जो हैंड इन हैंड चलती है इंडिया चाइना के बीच में उसके ऊपर बात होगी, जो दिसंबर में स्टार्ट होने वाली है। और इंडिया चाइना प्लस वन एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जहाँ पर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान में दोनों कंट्री साथ में मिलकर काम कर सकती हैं अगर चाहें तो उस इशू के ऊपर बात होगी। और जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स जो अदर कंट्रीज़ में चल रहे हैं वहाँ पर बात होगी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक इम्पॉर्टेंट इशू है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वहाँ पर इंडिया भी एक्टिव है चाइना भी एक्टिव है, इन इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर बात होने वाली है। और जैसा मैंने बोला कि पर्सनल केमिस्ट्री पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्या इसका आउटकम निकल के आता है, लेकिन पॉजिटिव सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बड़ा आर्टिकल इसके रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे, तो उसमें इसको देख लेंगे। तो ये इशू और वो आर्टिकल दोनों ही GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट इशू है इन्वेजिव वीड्स का। ये ज़्यादा कोई स्पेसिफिक फैक्ट इसमें नहीं दिया, बस इतना बताया है कि जो इन्वेजिव वीड्स हैं, वीड्स क्या होती है, जो खरपतवार जो फालतू में उग जाती है खेतों में, वो क्या करती हैं, उनकी सर्वाइव करने की कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल प्लांट से। वो किसी भी हार्श कंडीशन में, कम पानी में, बिना कोई सपोर्ट के ये उग जाती हैं। और ये इस क्वालिटी के कारण जो वहाँ की एग्जिस्टिंग जो बेसिक क्रॉप्स हैं या फिर कोई पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, उसको खतरे में डाल देती है और रिप्लेस कर देती है उसको सारे को। और कुछ सालों बाद में वो पूरा एरिया ही घेर लेती हैं और वो सारे जो पेड़ पौधे हैं उनको ख़त्म करके अपनी वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा लेती हैं। तो इसके कारण वहाँ पर जो टाइगर्स हैं आदिलाबाद में और इधर, वहाँ जो है उनके लिए हैबिटेशन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो जो रिप्लेस कर चुके हैं, प्लांट्स ख़त्म हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल्स थे जिनको ये खाते हैं, तो हर तरह का जो है खतरा पैदा होता है। और आपको पता ही है 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरो में, उसके बाद में जो CBD एस्टैब्लिश हुआ था, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो था सबसे इंपॉर्टेंट, UNCBD को बोलते हैं, वो इसी इशू के रिगार्डिंग है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का ही इशू है। तो इसमें एक मुद्दा इंपॉर्टेंट UNCBD में था एलियन स्पीशीज़ का, कि ये जो इन्वेजन होता है एलियन स्पीशीज़ का प्लांट्स की, वो हैबिटेशन को ख़राब करती हैं जानवरों के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे जो शेर है, ये जो सॉरी जो टाइगर है, वो कोई वनस्पति उत्पत्ति तो खाता नहीं है, लेकिन ये उनको खाता है जो वनस्पति को खाते हैं, जैसे हिरण हो गए वैसे। नेक्स्ट इशू है असम के T
टी कल्टीवेशन के मामले के अंदर, देखिए ये एक बहुत सालों से चलता हुआ एक फिनोमेना है जहां पर लेबर लॉस का बहुत ग्रेव वायलेशन है। 13 से लेकर 18 घंटे तक काम करते हैं जो वर्कर्स होते हैं और इसकी वर्क कंडीशंस इतनी हार्श होती हैं कि कई बार रात में 3-4 बजे ऐसे काम करना पड़ता है, जो कुछ पत्नियां चुननी पड़ती हैं, तो बहुत यूनिक उनका टाइम होता है। तो सब कुछ चीज़ें बहुत यूनिक होती हैं इस इंडस्ट्री में। और इंडिया में आपको पता ही है चाय का इतना बड़ा एक कंजम्पशन है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत होता है, जो बेस्ट क्वालिटी हो वो एक्सपोर्ट होती है, बाकी जो नीचे वाली क्वालिटी जो है वो इंडिया में पीते हैं सब लोग, और बहुत बहुत महंगी भी बिकती हैं। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि 75,000 रुपये किलो तक बिकी हैं कुछ कुछ जो है 50,000 रुपीज़ पर केजी बिकी थी। तो इतनी अच्छी क्वालिटी भी होती है, लेकिन इस क्वालिटी को अचीव करने के पीछे जो है इतना ज़्यादा ये लेबर होता है जो लगता है और उसमें बहुत एक्सप्लोइटेशन होता है। अभी एक इम्पोर्टेंट ऑक्सफैम जो इंस्टीट्यूट है उसने TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ मिलकर एक रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि ह्यूमन कॉस्ट बहुत बड़ी है असम टी कल्टीवेशन के अंदर। और वैसे जो ये कल्टीवेटर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इससे रिलेशन रखते हैं, वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत बुरी स्थिति में चल रही है और ये रिपोर्ट्स उसको और ख़राब इमेज उसकी कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर न कोई उनको टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हैं, न कोई उनको घर मिलते हैं, पुअर वेजेस हैं, लैक ऑफ क्वालिटी हेल्थ है और एजुकेशन के एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। मतलब तो ये इशू इन्होंने सामने लेके आए हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले भी आती रही हैं, इसलिए जो यहाँ के स्टेट्स के मालिक वो कह रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पहले से चलता आ रहा है और पहले से ये इंडस्ट्री बहुत स्ट्रगल कर रही है क्योंकि प्राइसेस के बहुत इश्यूज हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और प्राइसेस कम ये कहते हैं कि हैं और बढ़नी चाहिए। कॉफ़ी वगैरह के जैसे प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन टी कितनी नहीं है, तो ये बढ़नी चाहिए और इसके कारण ये थोड़ा स्ट्रगल भी कर रही है। लेकिन इसमें कंजम्पशन की कोई दिक्कत नहीं है इंडिया में, एवरी टाइम इज़ अ टी टाइम और आपको पता ही है कि टी जो है उसके लिए कोई मना नहीं है इंडिया में। तो ये सपोर्ट तो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन इसका जो वैल्यू चेन है, जो इसका मार्केट मैनेजमेंट है, उसमें दिक्कत है थोड़ी सी। और आपको याद होना चाहिए दार्जिलिंग टी जो है वो पहला इंडिया का GI प्रोडक्ट भी था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाला। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखना, पूछ सकते हैं इससे। अभी प्रेजेंट में इनको लगभग 137-167 रुपये पर डे ही सिर्फ मिलते हैं और वो भी 13 से लेकर 18 घंटों के बीच में काम करने के बाद में। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर दिखा रखा है कि कंट्रीज में जो इनके जो जो सुपरमार्केट और टी ब्रांड जो हैं मालिक जो होते हैं वो कितने परसेंट जो पैसा है वो रख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सुपरमार्केट और टी ब्रांड जो इंडिया में 58.2% पैसा खुद के पास रखते हैं, 7.2% वर्कर्स को रखते हैं देते हैं और जबकि वर्कर्स को नीड है 18.7% की। मतलब लिविंग वेज अगर उनको दिया जाए तो 18.7% देना चाहिए लेकिन देते हैं 7%। हालांकि ये सब देशों में ही कम देते हैं लेकिन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ऐसा है। US में 93.3% है क्योंकि वहाँ पर अधिकतर इम्पोर्ट होता है, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है इसलिए इशू है। और वैसे आपको बताइए ब्रिटिशर्स ने ही ये प्लांट पहले इंडिया में लगाए थे, इंडिया में चाय नहीं होती थी और चाइना में होती थी और उन्होंने फिर यहाँ पर ये प्लांट्स वगैरह लगाए थे और ये एक उन्हीं का ड्रिंक था ब्रिटिशर्स का, जो इंडिया में आज नेशनल ड्रिंक बन चुका है एक तरह से। ठीक है, तो इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन आता है हमेशा, प्रीलिम्स के भी आ सकते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाले जैसे। नेक्स्ट इशू है ये आप थोड़ा सा इसमें लिखना, जो VIP कल्चर टेंपल्स में होता है ये मुझे थोड़ा सा हिट करता है कई बार कि ये क्या इशू है, कि मतलब जो रिच है क्या उसके लिए भगवान ज़्यादा अवेलेबल होने चाहिए और क्या सही में कुछ ऐसा होता है कि दर्शन करने से कुछ ऐसी स्पेसिफिक पावर मिल जाती है, कुछ बिलीफ सिस्टम है। लेकिन ये जो इशू है कि भाई पैसे दे के अलग से आप दर्शन कर लो, ये क्या कल्चर है, इसके ऊपर थोड़ा मैं आपका कमेंट चाहता हूँ, प्रो और नेगेटिव दोनों कमेंट आप उसमें मुझे देना और 200 वर्ड्स में एक क्वेश्चन लिखना आप, ये मुझे आप बताना। नेक्स्ट इशू है, देखिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनती है, उसमें सदस्य चुने जाते हैं और फाइनेंस के ऊपर ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। पिछले साल तक ये था कि ओपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको इसका चेयरपर्सन बनाया जाता था, लेकिन अब की बार रूलिंग पार्टी ने खुद के पास रख लिया है। तो ये तो वो बात होगी कि आप कुछ अपना केस जज करोगे और खुद ही उसके अंदर आप जज हो, ऐसा केस हो गया है। क्योंकि पिछले बार डीमोनेटाइजेशन के ऊपर कुछ एम्बेरसिंग जो हैं रिपोर्ट्स चेयरमैन ने बनाई थी रूलिंग पार्टी के लिए और उसमें बहुत उसका किरकिरी भी हो गई थी, लेकिन अब की बार उन्होंने इससे कॉशियस रहते हुए खुद के पास ही चेयर रख ली है, तो उसका कुछ कितना मतलब निकलेगा वो हम सब जानते हैं। और यहाँ पर कुछ इश्यूज उठाए गए हैं कि जैसे एक तो RBI का जो सारा वर्किंग है, एक तो जो रिजर्व ट्रांसफ़र किए गए हैं और जो डिमांड की गई हैं और जो उसका मैंडेट है, फंक्शनिंग है, ऑटोनॉमी है, उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से काम कर रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा। और दूसरा इकोनॉमी की जो वर्किंग कंडीशन है,
उसके ऊपर कुछ जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चंस उठाएंगे। तो ये रिपोर्ट है, ज़्यादा कुछ ओपन नहीं है ऑफिशियली, और ये कुछ सीक्रेट सोर्सेज से रिपोर्ट जो है द हिंदू ने रिलीज़ की है। तो देखना होगा कैसे ये होता है। इसके टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं, मेन टॉपिक यही है स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और बाकी जो इसमें दे रखे हैं आरबीआई उसका एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और ये यूनानिमस डिसीजन लिया गया, क्यों? क्योंकि अधिकतर जो है वो रूलिंग पार्टी के ही मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, आपको बताइए उन्हीं का नंबर ज़्यादा है, तो विरोध करने का मतलब ही नहीं रह जाता है। नेक्स्ट इशू है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ट्रेन्स, बहुत ही बर्निंग इशू है। बड़े बड़े प्रॉमिस किए गए थे कि कभी ट्रेन प्राइवेटाइज नहीं होगी, ये सब जो है बदनाम करने की साजिश है, लेकिन अब देखिए फुल स्केल पे ये काम हो रहा है और बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है। इंडिया में इतना फास्ट होता नहीं है काम, लेकिन ये बहुत फास्ट हो रहा है, और तेजस ट्रेन जो है स्टार्ट हो गई है, उसका पूरा ऑपरेशन जो है प्राइवेट है। ऐसे ही और बहुत सारे ट्रेन हैं जिनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ काफ़ी स्पीड से ले जाया जा रहा है, उनका ऑपरेशनल हैंडलिंग जो है वो सारा प्राइवेटाइज तरीके से होगा। इसके अलावा 400 स्टेशंस को प्राइवेटाइज तरीके से और उनका जो मैनेजमेंट है वो करने का डिसीजन बहुत पहले ले लिया गया था, तो उनका ऑपरेशन जो है उनको उसका जो हैंडलिंग है वो प्राइवेट हाथों में देने की बात थी, तो उसका डिसीजन पहले ही आ गया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर काम नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो प्लान। तो एक कमेटी बनाई गई है इसको फास्ट करने के लिए, अमिताभ कांत जो CEO है नीति आयोग के वो इसको चेयर करेंगे, और उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया है, किसका, सेक्रेटरीज का, जो इसके इशू के ऊपर जो है सारा रिपोर्ट बनाएंगे और इसके अंदर जो है जो भी सजेशंस होंगे वो देंगे। जो रेलवे स्टेशंस हैं 50 तो, और 150 ट्रेन्स हैं जिनको प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथ में देना है, और 400 स्टेशंस और भी हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं और उनके अंदर भी डिले चल रहा है। तो इस सारे इशू के ऊपर ये कमेटी बनाई गई है, मिस्टर कांत जो है इसको चेयर करेंगे, और कमेटी जो है अप्रूवल मॉनिटरिंग और बिडिंग प्रोसेस को देखेंगे, और ये टाइम बाउंड मैनर में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बहुत इस पर जोर दिया जा रहा है कि टाइम बाउंड हो, जितना बोला गया बहुत जल्दी इसको पूरा करना है, डिले नहीं होना चाहिए। मतलब प्राइवेटाइज करने के अंदर बहुत फास्ट तरीके से चला जा रहा है, और लेकिन इसका बहुत भयंकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन वो मीडिया में बिल्कुल भी नहीं आया है। और इसके अलावा अमिताभ कांत के अलावा जो हैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन होंगे, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी होंगे, अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी होंगे, फाइनेंशियल कमिश्नर होंगे, और ये सब मेंबर्स होंगे। इशू इसमें यही है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठता है कि पहले रेल का प्राइवेटाइज करने का कोई इशू नहीं था और बहुत सालों तक रेल जो है फायदे में रही थी, लेकिन अब जो है जब से रेल बजट को इसमें मिलाया गया है, पहले तो अलग से बजट आता था तो उसकी सारी स्क्रूटनी पॉसिबल थी और हर चीज़ के अंदर उसका अलग से दिखता था कि भाई ये इस तरह का बजट था, इस तरह की प्रोग्रेस है, सब कुछ है, लेकिन अभी उसको मिक्स कर दिया गया पहले तो मिक्स करने के बाद में जो फाइनेंशियल उसकी पोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। दूसरा, अभी जो है पिछले सालों के अंदर खासकर एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद में जो किराया जो है वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, और ऐसे ऐसे जो प्रपोजल्स आए हैं जैसे कि जैसे एयरप्लेन्स वगैरह के अंदर जो चार्जेस रहते हैं उस तरीके से भी कुछ ट्रेन के चार्जेस जो है वो चेंज किए गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे ज़्यादा महंगी टिकट होगी इस तरह से होगा, ऐसे प्रपोजल्स भी आए हैं। और बाद साथ में ये बोला गया है कि उसमें सुविधाएँ बढ़ाई जाएंगी, लेकिन सुविधाओं के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी बोल रही हैं और एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि उस तरीके से जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन किराया जरूर बढ़ा दिया गया है, और किराया कई गुना बढ़ गया है कुछ ट्रेन के अंदर तो, और जहाँ पर फैसिलिटीज इतनी राइज नहीं हुई है। अभी तेजस ट्रेन चली थी उसके अंदर किराया बहुत महंगा है और उसका प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसमें एक अनफॉर्चुनेटली पत्थरबाजी वगैरह ये सब भी हुई थी, ट्रेन को ये सब किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो पत्थरबाजी वगैरह होती है, अब ये पता नहीं है क्यों होती है, कौन से लोग हैं जो आके पत्थरबाजी करने लग जाते हैं, ये तो समझ के बाहर है, इसके ऊपर तो पूरा जांच होनी चाहिए कि कौन है पत्थरबाज जो सही में ये सिचुएशन लेके आ जाते हैं, जहां पर ये रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है और ये लोग जो है उसको नहीं चाहते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए, सुविधा मिलनी नहीं चाहिए इनको, क्योंकि लास्ट में उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि फिर कोई जो सुविधा होती है, फिर कोई और जो स्टेप लिया जाता है वो रोक दिया जाता है, क्योंकि इस तरह के काम होने लग जाते हैं। तो फिर ये कौन से लोग हैं जो ऐसे काम करने लग जाते हैं, और पहले जब एक जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी बहुत फास्ट जो ट्रेन थी तेजस एक्सप्रेस, उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था, जो उसकी LED वगैरह तोड़ दी गई थी, उखाड़ ले गए थे और शीशे तोड़ दिए, वैसा ही कुछ हुआ, ऐसा ही इस तेजस के साथ में हुआ है। और ये इश्यूज जो हैं वो बड़े अजीब हैं, तो इनकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, और ये प्राइवेटाइजेशन का जो मूव है वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है और कितना उसको सपोर्ट मिलेगा। एक चीज़ सही है कि रेलवे के अंदर बहुत सारे ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हैं, दिक्कतें हैं, तो एक चीज़ सजेशन जो प्राइवेटाइजेशन का है उसमें एक बात ये है कि एक ट्रायल बेसिस के ऊपर इसको पहले करना चाहिए कि भाई कितनी एफिशिएंसी राइज होती है,
ये देखना चाहिए, क्योंकि सीधा एकदम से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना ये इतना पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा एक अलग से दुनिया है रेलवे की, और इतने सारे जो हजारों एम्प्लॉइज हैं, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. और प्राइवेट हाथों में देना इंडिया में थोड़ा सा अलग बात होती है, और देशों की तरह प्राइवेट सेक्टर नहीं है इंडिया में. इंडिया में करप्शन भी होता है, नेक्सस भी होता है कंपनियों का और पॉलिटिशियंस का, ये सब चीज़ें बताई गई हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है. और यहाँ पर फिर मार्केट का डिस्टॉर्शन भी होता है, और बहुत लूट भी मचती है जनता के पैसे की, ये सब कुछ रिपोर्टेड हैं चीज़ें. तो ऐसे में, ऐसे माहौल में, और ऐसे जब एलिगेशंस होते हैं इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते हैं, बस प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हैं, और एक्सेस में प्रॉफिट पर ध्यान उनका रहता है, तो ऐसे में ये कितना कारगर साबित होगा, इस इश्यू के ऊपर भी एक क्वेश्चन लिखा जा सकता है. और ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पूरा नेगेटिव ही होगा, लेकिन क्या ऐसा है कि बिना प्राइवेटाइज किए भी एफिशिएंसी राइज की जा सकती है? ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके ऊपर क्यों इतना फोकस नहीं है, और प्राइवेटाइज करने के ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों है, ये देखने वाली बात होगी. क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का पूरा स्ट्रीक चल रहा है अभी. बीपीसीएल जो है, भारत पेट्रोलियम, जो काफी प्रॉफिट कमा रही थी, उसको भी प्राइवेटाइज करने के जो है रास्ते खोल दिए गए हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही बड़े चेंजेस हैं इकोनॉमी के अंदर, और ये कितना सही है कितना गलत है इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख सकते हो. प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक पूरा ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इशू है नोबेल प्राइज. पिछले साल ये अनाउंस नहीं हुआ था, इस बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज अनाउंस हो गया है. एक तो एक अरिंग प्रोटैगनिस्ट के नाम से, इन डाई ऑब्स डाइबिन के नाम से जो है ये पीटर हांडके ने लिखा है, पीटर हांडके को मिला है. और एक जो पोलिश राइटर हैं ओल्गा टोकरजुक, जो काफ़ी फेमस है वहाँ पर और ह्यूमैनिटेरियन थीम्स के ऊपर वो लिखती हैं, इन दोनों को ये प्राइज मिला है. ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, इनका जो राइटिंग्स हैं ये सब कुछ हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. और ये किस किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, इनके टॉपिक्स क्या हैं, उसके ऊपर भी इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग आ सकती है. लास्ट ईयर ये कुछ सेक्स स्कैंडल के इशूज़ के कारण अनाउंस नहीं हुआ था, अब की बार अनाउंस हुआ है, दूसरे ग्रुप ने दिया है. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, जो टर्की का जो इशू चल रहा था, मैंने पूरा आर्टिकल आपको समझाया था, उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि अब टर्की तैयार है उन कुर्द्स ग्रुप्स के ऊपर अटैक करने के लिए जिन्होंने आईसिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अमेरिका के साथ मिलकर. लेकिन अमेरिका के साथ दुश्मनी के चलते हुए टर्की का जो ये मूव है उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है. और टर्की ने यूएन असेंबली में कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी पाकिस्तान का साथ दिया था ओपनली. ये बोला था कि ये जो इशू है वो इंडिया ने जो कर्व्स लगाए हैं वो गलत हैं, ओपनली हमें क्रिटिसाइज किया था, इसलिए अब इंडिया भी हर मुद्दे के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है. अभी ये जो डिसीजन लिया गया उसको इंडिया ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली कहा है कि ये एक यूनिलैटरल एक्शन है, और ये जो मिलिट्री एक्शंस ले रहा है ये गलत है, और रिस्ट्रेन आप इसमें रखिए, इसको रोकिए. और इसको नाम दिया टर्की ने ऑपरेशन पीस स्प्रिंग, जहां पर कुर्दिश YPG रिबेल्स का जो ग्रुप है उसको टारगेट करेंगे, जिसको टेररिस्ट मानते हैं टर्की वाले. और ये कह रहे हैं कि इनका क्लेम है कि ये US और यूरोपियन यूनियन में भी टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर्ड हैं, और इन्होंने 40,000 सिविलियंस को मारा है. अब इस तरह के जो क्लेम्स होते हैं उनका वेरासिटी कोई नहीं जानता है, क्योंकि एलिगेशन लगाए जाते हैं और उसके बाद में अटैक किया जाता है. अमेरिका तो हमेशा ऐसा करता है कि किसी पे ऐसे एलिगेशन लगाता है कि इनके पास में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, या फिर इनके पास में बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, इसलिए इनको इनसे बहुत बड़ा खतरा है ह्यूमैनिटी को, इनको ख़त्म कर दो. लेकिन बाद में पता लगता है कि ह्यूमैनिटी का खतरा एक्चुअल में उस बाद वाले एक्शन से ज़्यादा बड़ा हो गया है. यमन उसका एग्जाम्पल है. तो ऐसे जो है क्लेम्स कितने सही हैं वो तो देखने वाली बात है, लेकिन हमारा स्टैंड यही है कि हम टर्की से यही बोल रहे हैं कि ये गलत एक्शन है और ये यूनिलैटरल एक्शन है, एक तरफा है, और आप पावरफुल हो इसलिए आप ये कर रहे हो. तो यही बात है, लेकिन ये सीधा रिएक्शन बताया जा रहा है कि जो कि अर्डोगन ने कश्मीर मामले में रिएक्शन दिखाया था उसका. तो ये सब कुछ है, देखने वाली बात होगी यूएस का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि यूएस ने पहले बोला था कि टर्की ऐसा करेगा तो टर्की की इकोनॉमी को हम बर्बाद कर देंगे. अब देखते हैं क्या होता है. नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया जो है, कुछ दो अच्छी न्यूज है. सऊदी अरेबिया ने आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए वीमेन को अलाउ कर दिया है. तो जब से सलमान जो किंग हैं वो आए हैं, तब से इस तरह के बहुत सारे रिलैक्सेशन दे चुके हैं, वहाँ के सिस्टम को लिबरलाइज कर रहे हैं. तो ये एक अकेला मूव है, अगला मूव है. पहले इन्होंने विमेन की ड्राइविंग को जो है अलाउ किया था, और अब आर्म फोर्सेस में ये अलाउ कर दिया है. एक ईरान से न्यूज़ आई है कि वहाँ पर पहली बार जो है फुटबॉल का मैच देखने दिया जाएगा, और 80,000 लोग जो हैं उनकी कैपेसिटी होती है स्टेडियम में, और 4,000 टिकट जो है वो विमेन को ये देंगे. तो ये एक रिलैक्सेशन ईरान में भी है, वहाँ पर पूरा इसके ऊपर बैन था और ये अलाउ नहीं था. और अभी भी जो शिया जो वहाँ के
हार्ड लाइनर्स हैं थियोक्रेसी के, वो इसको अपोज कर रहे हैं. तो ये जेंडर इक्वालिटी का बड़ा इशू रहता है मुस्लिम कंट्रीज में, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि ये इसको अलाउ कर रहे हैं. अब आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर. ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल वही इशू के ऊपर है, इंडिया चाइना के इशू के ऊपर, इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए. और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इशूज के ऊपर बात की है जिन्होंने, इन्होंने ये कहा है कि 11-12 अक्टूबर को ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसमें हमें देखना होगा ये डिस्कशन किस तरह से कंटिन्यू रहते हैं. बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल इंपॉर्टेंस, तीनों तरह के जो इश्यूज हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे. स्ट्रेस पॉइंट्स बताए हैं सबसे पहले उन्होंने कि कुछ स्ट्रेस पॉइंट्स हैं वो क्या है. जैसे मसूद अजहर वाला केस है, उसके ऊपर दिक्कत है इंडिया चाइना के बीच में, हालांकि लास्ट में इसको मानना पड़ा चाइना को, लेकिन वो इश्यूज रहते हैं. एनएसजी ग्रुप में जो एंट्री इसने ब्लॉक कर रखी है वो इशू रहता है. ट्रेड गैप जो बढ़ रहा है वो दिक्कत है. साउथ एशिया के अंदर चाइना काफ़ी अपने बढ़ावा कर रहा है, अपना जो एक्सटेंड कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस, वो एक दिक्कत है इंडिया चाइना के रिलेशंस के बीच में. और पब्लिक सपोर्ट जो पाकिस्तान को इसने दिया है ओपनली, वो बड़ी दिक्कत है. और एशिया के अंदर जो चाइना सेंट्रिक ऑर्डर है उसको भी कुछ कंट्रीज ने अपोज किया है, इंडिया उसका सबसे बड़ा अपोजर भी है. तो ये इश्यूज रहते हैं. इसके अलावा और भी देश है जिन्होंने चाइना के साथ में दिक्कत थोड़ी सी जताई है. मिन्स्क जो बेलारूस की जो कैपिटल है, डायलॉग फॉर्म है, वहां की जो इंपॉर्टेंट समिट हुआ था इसी वीक में, वहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज ने भी बोला कि भाई चाइना एक तो जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को नहीं मानता है और एनवायरमेंट और लेबर इश्यूज के रिगार्डिंग भी डिसरिगार्ड दिखाता है, तो हम जो हैं इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का जो कोऑपरेशन है, इसका जो लिंक है, उसको हम ज़्यादा अप्रूव नहीं करते हैं. तो ये सारे इशू रहते हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लमेटिक बात है, जहां चाइना स्ट्रेस में है. जब इंडिया के साथ बात करेगा तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्टेक्स्ट में रहेंगी, तो थोड़ा सा स्ट्रेस जो एग्जिस्टिंग है. दूसरा, कश्मीर इशू के ऊपर जो भी इन्होंने बोला है चाइना ने, वो वही बात इंडिया के अगेंस्ट ही है कि भाई यूएन चार्टर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के हिसाब से ही ये सॉल्व होना चाहिए, ये चाइना बोलता है, जिसके हम खिलाफ हैं ऑफिशियली. और बाउंड्री एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ में इसने किया था 62 की वॉर के बाद में, जब पाकिस्तान ने बहुत सारी टेरिटरी जो है वो इनको दे दी थी, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है, एक तो वो अक्साई चीन के अंदर चाइना के पास में है, और 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान ने इलीगली और चाइना को दे दी थी इस 63 के एग्रीमेंट के अंदर, और उसी के थ्रू जो है ये सीपैक भी गुजर रहा है. तो ये इलीगल बात है, हमसे पूछे बिना चाइना ने ये किया. अब ये कह रहे हैं कि चाइना हो सकता है रियलाइज भी कर रहा हो इस बात को कि ये जल्दबाजी की इन्होंने और इंडिया से बिना पूछे इस बात को पॉसिबल बनाया, और ये गलत था क्योंकि चाइना बहुत एक्सपेक्टेशंस रखता था कि इंडिया इसको ज्वाइन करेगा, लेकिन इंडिया ने इसी इशू के ऊपर इसको ज्वाइन नहीं किया. तो सबसे बड़ा जो एक फ्लैगशिप स्टेटस इसको दिया सीपैक को, अब उससे पीछे भी नहीं हट सकता है, तो फंस गया है चाइना इसके अंदर. तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है यहां पर. अब ये कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में जो है पीक्स भी आए हैं, ट्रफ भी आए हैं, ऊपर भी गए रिलेशन, नीचे भी गए हैं, तो मेच्योरिटी भी आई है. ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं यहां पर. क्या है कि जैसे साइकिल ऑफ डिस्ट्रप्शंस बार बार आते हैं, लेकिन उसका साइकिल शॉर्ट हो गया है. जैसे डोकलाम हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही ब्रिक्स समिट हुआ, उसमें दोनों शामिल हुए. वुहान भी हुआ, तो इन्होंने मेच्योरिटी दिखाई और वापस से पास आए, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खींचा. 62 की वॉर के बाद में 14 साल लग गए थे हमें रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए. और न्यूक्लियर टेस्ट जब हुआ तो थोड़ा सा चेंज आया और सिर्फ 2 साल में नॉर्मलाइज हो गए. उसके बाद डोकलाम मले के अंदर कुछ महीने ही लगे. तो इस तरह से डिस्ट्रप्शंस हुए, लेकिन जल्दी जल्दी सुधार भी हुआ है. तो मेच्योरिटी दोनों देशों में आती है क्योंकि दोनों देश समझ रहे हैं एक दूसरे का, राइज भी समझ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है स्ट्रेन लाने में. नेक्स्ट है ममल्लापुरम का जो लोकेशन है, बड़ा यूनिक है. और एंशियंट लिंकेजेस है जिसके बारे में हमने बात की थी, जो एक बोधि धर्म जो चाइना में चलता है, वो नहीं चलता, जो ध्यान स्कूल ऑफ मेडिटेशन चलता है, उसके जो फाउंडर थे बोधि धर्म, उनका लिंक यहीं पर था, इसी रीजन से ही था, जो वहां पर हनान प्रोविंस के अंदर उन्होंने शाओलिन मोनेस्ट्री को एस्टैब्लिश किया था. तो ये सब जो हैं ये कल्चरल लिंकेजेस हैं और ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी ला सकती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हिस्टोरिकल हैं और जो एंशियंट हैं, कल्चरल हैं, वो टाइज कुछ याद दिलाते हैं लीडर्स को कि भाई चीज़ें हम हमेशा एक लॉन्ग और विजनरी एस्पेक्ट में देखें. तो वहां पर दोनों देशों को फायदा ही एक दूसरे से. और ये जो पेटी इश्यूज हैं, मसूद अजहर है, एनएसजी है, पाकिस्तान है, इनको लेकर रिलेशन खराब करने में कोई फायदा है नहीं. तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी थिंकिंग उनके बीच में आए. तो इसलिए वेन्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उसका होता है. और जहां पर ऐसे इनफॉर्मल समिट है वहां उसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा होता है. दूसरा, FDI जो चाइना से है वो 2015 से बढ़ रहा है और वो अनटैप्ड पोटेंशियल है, मतलब बहुत पोटेंशियल हो सकता है, मतलब और हम इसमें अलाउ करेंगे चाइना की FDI को, तो आज हमें जरूरत भी है.
और वैसे इशू जो मेक इन इंडिया और ये सब जो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी एफडीआई हमें चाहिए और उसका पोटेंशियल काफी बचा हुआ है हमारे बीच में, तो वो हम यूज कर सकते हैं। दूसरा यूएस का जो फैक्टर है, जहां टेंशन राइज हो रहे हैं चाइना यूएस के बीच में, जो ट्रेड वॉर चल रही है, हुआवे कंपनी वाला जो इशू है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म्स को अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया 28 कंपनीज को, और अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो चाइना ने किया था तो काफ़ी स्टर्न वॉइस यूज़ करनी पड़ी थी उनको, और हांगकांग प्रोटेस्ट साथ में चल ही रहे थे। जो चाइना का ड्रीम है 2049 तक वन चाइना बनाने का, उस पर क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। वन कंट्री टू सिस्टम वाला जो इशू है, जहाँ हांगकांग एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ताइवान को भी चाइना अपना ही हिस्सा बताता है, लेकिन ताइवान अपने आप को अलग कंट्री बताता है। चाइना ये बोलता है कि अभी तक वन कंट्री टू सिस्टम चल रहा है, तो इसको हम एक वन चाइना करेंगे, तो इनके ऊपर बड़े चैलेंजेस हैं। तो चाइना काफ़ी स्ट्रेस में इस टाइम पर चल रहा है, और ट्रेड इश्यूज भी हैं, ग्रोथ इतना बड़ा जो है एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर भी क्वेश्चंस कई सारे खड़े हो गए हैं, तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेट करने वाली हैं। तो ऐसे में कुछ पॉजिटिव भी निकल के आ सकता है अगर वो जो है लीडर्स की बीच की साइकोलॉजिकल सेटिंग जो है वो कोऑपरेशन तरफ जाती है तो, और बहुत कुछ जो है जी जिनपिंग के और उनके विजन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कोएग्जिस्ट करना जो है वो नीड है दोनों की, वो कोई ऑप्शनल कंडीशन नहीं है, और कोऑपरेशन और ट्रस्ट से उनको बढ़ना ही चाहिए, तभी दोनों देशों को फायदा है यहाँ पर, वरना कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, कोई फायदा उसका निकलेगा भी नहीं। और एक इशू इंडिया की तरफ से ये कि ट्रेड डेफिसिट जो है $58 बिलियन का हो चुका है, उसको भी हमें बैलेंस करना है और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी उसमें आनी चाहिए। आरसीपी वाला इशू भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चाइना जो है वो ये चाहता है कि दुनिया उसको अकोमोडेट करे, उसका जो राइज है उसको माने और उसकी हेजमनी को एक्सेप्ट करे, लेकिन चाइना को इंडिया का भी राइज जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको इंडिया के इस राइज को अकोमोडेट भी करना पड़ेगा। जैसे चाइना अपने लिए चाहता है दुनिया की तरफ से, वैसे ही चाइना को इंडिया की तरफ से भी जो है उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा। और एशिया में खासकर जो हेजमनी है उसमें ये ना माने कि मैं अकेला ही हूँ बस एशिया में, इंडिया उसमें साथ में, और खासकर साउथ एशिया में इंडिया एक अनडिस्प्यूटेड लीडर मानना चाहिए उसको। तो ये इशू है इंडिया चाइना प्लस फ्रेमवर्क जो, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो एक पॉजिटिव मुद्दा हो सकता है कि किसी दूसरे रीजन के अंदर और दोनों देश मिलकर कोऑपरेशन में काम कर सकते हैं, अफगानिस्तान उसका बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये एक इशू है, और कंबाइंडली जो 2-3 आर्टिकल आए हैं अभी और आने वाले हैं समिट के बाद में, तो देखना होगा, उसके बाद मैं आपसे इस पर क्वेश्चन पूछूंगा मेंस के। नेक्स्ट है जो इशू है मोटर व्हीकल्स लॉ का, और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे इसके अंदर बचते हैं, देखिए कई नए प्रोविजंस इसमें आए हैं इस बिल के अंदर, जिसमें 63 क्लॉसेस हैं कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम जो है वो कॉम्पेंसेशन इंक्रीज कर दिया गया है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, गुड समेरिटन जैसे जो जल्द जो एक्सीडेंट के टाइम पर जान बचाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, वो गुड समेरिटन्स हैं, उसके रिगार्डिंग इश्यूज हैं, और डिफेक्टिव मोटर व्हीकल का जो रिकॉल करना है वो भी इसमें जो है क्लॉसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी का इसमें मुद्दा है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का मुद्दा है, टैक्सी एग्रीगेटर्स का रिकॉग्नाइज करने का इसमें क्लॉस है, और पेनल्टीज जो हैं वो बढ़ाने की बात है सेवरल ऑफेंसेस के लिए। अब ये सारे जो हैं ट्रैफिक क्रैशेस को कम करने के लिए, और डेथ जो होती है उससे उसको भी जो है कम करने का मुद्दा है, 50% तक कम करना है 2030 तक, ये मेन इशू है कि सारे क्रैशेस कम हों इसमें। इसमें देखिए सारी चीज़ों की बात होती है, लेकिन सबसे जल्दी क्या लागू किया जाता है, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स सॉरी जो पेनल्टीज हैं वो सबसे ज़्यादा जल्दी लागू हो गई, 1 सितंबर को ही पेनल्टी सारी लागू हो गई और कलेक्शन स्टार्ट हो गया, और इतने फोर्स से इतने इंटेंसिव तरीके से जो कलेक्शन हो रहा है और इतना बड़ा बड़ा कलेक्शन हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये क्या लूट मच गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें ये है, इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पर ये कोई अफर्मेशन हो कि भाई आप इतने ज़्यादा जो है बड़े फाइन लो, इतना भारी भरकम फाइन लो, जितने लोगों की इनकम भी नहीं है उतने फाइन किस गाड़ियों पर लग रहे हैं, वो फाइन ऑब्वियसली तभी लग रहे हैं जब कोई लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर, इंडिया देश के अंदर इतनी भीड़ है, इतनी गलियां हैं, इतना कुछ है, रोड ट्रैफिक लाइट जो आदि काम करती हैं, और उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, कोई रूल तोड़ रहा है बीच में, कोई कहीं से गलियां आ रही हैं उसमें, कोई ये बोल रहा है कि मैं तो यहीं इस गली में इससे उस गली में जा रहा था, मैं रोड के ऊपर नहीं हूं, ऐसे करते करते इतने सारे इश्यूज हैं कि वहां पर गलती फिक्स करना कोई बड़ा इश्यू नहीं है अगर कोई इस तरह से इंटेंशन ही बना ले तो। तो ऐसे करके बहुत सारे केस सामने आए हैं जहां पर ऐसे फाइन्स लगे हैं, तो फाइन होता है, जहां पर आप ₹500 का फाइन लगाओ उसको भी आप एनर्जी से और काफी इंटेंसिटी से अगर आप एनफोर्स करोगे तो लोग उसमें भी जो है वो केयरफुल रहेंगे, लेकिन 500 की जगह 5000 का फाइन लगेगा तो वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उसको उतना इंटेंसिटी से पैशन से इसको लागू किया गया है कि बड़े क्वेश्चन उसमें उठ गए हैं।
तो ये कहीं दुनिया में एग्जाम्पल नहीं है, कोई अफर्मेशन नहीं है कि पेनल्टीज यहाँ पर राइज हुई है, इतना भारी भरकम राइज हुआ वहां पर, ये डेथ्स कम हो गई हो या फिर क्रैशेस कम हो गए, ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखा गया है। ये स्टडी बहुत देशों में हो चुकी है, इंडिया में भी जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कई सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता फाइन के ऊपर। और जो गलतियां होती हैं बहुत सारे, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रोड एक बड़ा फैक्टर है उसके अंदर, भीड़ बड़ा फैक्टर है, जो हैबिटेशंस हैं जो हाईवेज के आसपास में जो छोटे विलेजेस होते हैं वहाँ बड़े फैक्टर हैं, लोगों के अवेयरनेस नहीं है वो बड़े फैक्टर हैं, जो उनकी जो तरीके हैं, जो उनका इग्नोरेंसेस है वो बड़े फैक्टर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो पेनल्टीज जो है वो डिटरेंट की तरह यूज़ की जा रही है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है। इसमें नई पेनल्टीज फॉल्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल के रिगार्डिंग भी ऐड कर दी गई हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर जो है जो फॉल्टी रोड डिज़ाइन बनाता है उसके रिगार्डिंग भी बनाई गई है, जिसने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए हैं उसके रिगार्डिंग भी इसमें ऐड कर दी गई हैं, और जो जुवेनाइल्स हैं 18 से कम के हैं उनके जो पेरेंट्स हैं गार्जियंस हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ये सब नए एडिशन है। तो पेनल्टीज बहुत आ रही हैं, भारी भरकम आ रही हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये कोई इसका कोरिलेशन दिखता ही नहीं है कि आप पेनल्टीज बढ़ाओ, इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टीज लो और उससे रोड ट्रैफिक क्रैशेज जो है वो कम हो जाए, ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। इसका मतलब यह है कि ये जो लागू किया जा रहा है इसके अंदर इसका क्या इसका बेसिस है, साइकोलॉजिकल बेसिस का ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग है, ये अज्यूम कर रहे हैं कि ड्राइवर जो है केयरलेस ही होता है और वो हायर पेनल्टी होगी तो वो डरा हुआ डरेगा और वो केयरफुल बिहेवियर दिखाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आप हाईवेज पर किसी भी हाईवे पर इंडिया में चलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको अपने आप ही फील हो जाएगा कि कई ऐसे मतलब सबसे बेसिक प्रॉब्लम है जो मैं खुद फेस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि रोड स्मूथ नहीं रहती है और कहीं पर एकदम से कोई बड़ा पत्थर आ जाएगा, एकदम से कोई बड़ा उछाल आ जाएगा या फिर एकदम से रोड जो है उसका कोई उसमें स्लांट आ जाएगा, तो एकदम से ड्राइवर जो है वो उस फास्ट स्पीड में अगर मान लीजिए चल रहा हो 100 की स्पीड पर चल रहा हो तो काफ़ी गाड़ी बैक सकती है। एकदम से साइड में जो गांव वगैरह होते हैं वहां पर हाईवेज के ऊपर ऐसा कोई जो है क्या होता है कि कोई विजिलेंस नहीं होता है, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं रहता है, कहीं से भी उसको तोड़ देते हैं, एकदम से कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए कोई वो नहीं है, ना ही पेट्रोलिंग सही तरीके से हाईवेज पे होती है। हाईवेज पे सबसे ज़्यादा फेटलिटीज़ होती हैं क्योंकि स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सुधरी नहीं है। उससे पहले पेनल्टीज इतनी बड़ी बड़ी लगा दी गई हैं और खासकर शहरों के अंदर इतनी भीड़ है वहाँ पर ऐसी पेनल्टीज लगाना ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर ऐसा ही करना था तो ये करना था कि पहले भी फाइन थे, पेनल्टीज थी, और उसके अंदर उनको आप पूरा पैशन से, जैसे आप आज आप कलेक्ट कर रहे हो वैसे ही आप उनको कलेक्ट करते तो भी लोग जो है अवेयर हो जाते, क्योंकि लोगों को 500 रुपये भी जेब से जाएंगे तो भी उनको बहुत दर्द होता है, ये तो 500 की जगह हज़ारों का मामला हो गया है, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट जो है लोगों को करता है। और इससे होगा क्या, देखिए जो लोग पहले से कुछ रूल्स फॉलो करते हैं वो और डर डर के चलेंगे, डर डर के कई बार और मिस्टेक्स कर देंगे वो, क्योंकि उनको डर रहेगा कि फाइन लग जाएगा, उस चक्कर में और कोई मिस्टेक कर देंगे, एकदम से ब्रेक लगा देंगे, एकदम से कुछ कोई साइड में निकलने की कोशिश करेगा, और उस फाइन से बचने के चक्कर में कई एक्सीडेंट हुए हैं। ये सामने आया है कि कहीं पर ट्रैफिक पुलिस वाला दिख गया उनको और कहीं से वो मान लीजिए कोई ये कोशिश कर रहे हो कि साइड से निकल जाएं, तो वो जल्दबाजी में उन्होंने गाड़ी घुमा ली, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, ऐसे भी बहुत सारे फैटलिटीज सामने आई हैं। तो ये सही नहीं है, डर नहीं होना चाहिए, खुद से एक जो है रिस्ट्रेंट होना चाहिए, खुद से कंट्रोल होना चाहिए और रेगुलेशन खुद से हो, सेल्फ रेगुलेशन हो। ये फाइन लगाकर आप किसी को प्रेशराइज करके काम कर रहे हैं, प्रेशर में किया हुआ काम सही नहीं होता है, ये एक इशू है। तो अगर ये पैशन दिखाना ही था तो पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन इतना फाइन लगाने के बाद में पैशन दिखाना, ये तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एम ही कलेक्शन करना है, ऐसा इसमें लगता है, ये क्रिटिसिज्म इसका है। तो ये कह रहे हैं कि इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई इसका प्रूफ नहीं है कि ऐसा इससे सुधार होता हो। और रोड सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रोड का खुद का रोल बड़ा जरूरी होता है। कई बार ऐसा मोनोटोनस ऐसा भी आता है, कुछ ऐसी जगह जहां पर बिल्कुल ही शांति है और रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, हालांकि ऐसी जगह कम ही है इंडिया में, तो वहां पर ड्राइवर जो है वो सो जाता है, उसको नींद आ जाती है, ऐसा भी होता है। मोनोटोनस और कई तरह के ऐसे अलर्ट्स नहीं होते हैं, कोई मतलब साइन बोर्ड ऐसे नहीं है, कुछ मोड़ वगैरह ऐसे नहीं होते हैं, तो ये भी कुछ इश्यूज होते हैं जहां पर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि रोड का बड़ा रोल होता है एक्सीडेंट्स को रोकने में और एक्सीडेंट्स के होने में, तो वो देखना होगा। इंजीनियर्स का और इन सब का जो क्वालिटी चेक वगैरह होता है वो सब इनको देखना पड़ेगा, लेकिन ये खैर ये चीज़ तो फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा होती है जहाँ पर ड्राइवर को नींद आती है, लंबी रोड है और कोई नहीं आसपास, ऐसा इंडिया में नहीं होता है। लेकिन जो ये है कि कहीं पर भी बीच में कोई जो है एकदम से कोई अजीब सा मोड़ आ जाना, ज़्यादा तीखा मोड़ आना, कोई डाइवर्जन बीच में आ जाना एकदम से जो दिखता नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं होना, और लोगों की सबसे बड़ी आदत है, जैसे कई बार हाईवेज पे देखते हैं हम क्या होता है कि कोई मान लीजिए कोई डंपर जा रहा होता है, कोई दूसरा कोई बैलगाड़ी चल रही होती है, उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, वो दिखता ही नहीं है हाईवे के ऊपर रात में, और कई बार ये होता है कि सामने से लाइट आती है उस तरफ से,
उसमें रोडों को बराबर लेवल पे कहीं पर रख दिया जाता है तो सामने से लाइट आती है और उस इंसान को अपने आगे जो होता है जिसके ऊपर इन्फेक्टर नहीं है वो दिखाई नहीं देता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उसी के कारण होते हैं। तो ये जिम्मेदारी उस इंसान की है जो रोड पे धीरे चल रहा है, या तो कोई साइकिल वाला है, कोई बैलगाड़ी वाला है, या कोई डंपर है, उस पर रिफ्लेक्टर उसको लगाना चाहिए, क्योंकि वो दिखता नहीं है पीछे वाले ड्राइवर को, क्योंकि उसके सामने से दूसरी गाड़ी को लाइट आ रही है उसकी आंख में, उसको दिखता नहीं है। तो ऐसी चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है यार, ऐसे लोगों के लिए जो है ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो लोग गाड़ी लेके चल रहे हैं उनकी गलतियां कम होती हैं अधिकतर केस में, और जो रोड पे अननेसेसरी के जो ऑब्स्टेकल आते हैं उनकी गलती ज्यादा होती है, तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए बहुत रिसर्च चाहिए और सही तरीके से कुछ सजेशन जो आते हैं उनको अप्लाई करना जरूरी है, तो वो अप्लाई अभी तक इतने नहीं हुए हैं और इम्पोज कर दिए गए फाइन सारे के सारे। और टाउन्स वाला विलेजेस वाला जो हाईवे के साइड में होता है उसका मैंने आपको बताई दिया, तो ये इश्यू सारे के सारे हैं। और एक इशू है अंडर रिपोर्टिंग का कि फेटलिटीज अंडर रिपोर्ट होती हैं, 50% तक अंडर रिपोर्ट होती हैं, क्योंकि WHO ने एस्टिमेट किया 3 लाख, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने बताया 1.5 लाख, तो ये एक बड़ा दिक्कत है। इससे क्या होता है, सही पॉलिसी जो है बनाने में दिक्कत आती है और फिर गलत तरीके की पॉलिसी बन जाती है सही डेटा के आधार पर, क्योंकि इशू ये होता है कि सही तरीके से आप ह्यूमन एरर को, ह्यूमन फ्रेलिटी को और सही सारे कंसर्न्स को देखो, डेटा जो होता है रिस्क होती हैं, रोड सेफ्टी डेटा को एनालाइज करना होता है, क्यों क्रैशेस होते हैं और क्रैशेस की सीवियरिटी को देखना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, रिलायबल कंक्लूजन निकालना, ये अप्रोच जो है वो लगानी चाहिए, ये डेटा ड्रिवन अप्रोच होती है, इसकी कमी दिखती है। इस तरह से जो पॉलिसी बनती है वो बेटर पॉलिसी होती है और ऐसा ही हमको करना पड़ेगा। और ये भी कहीं नहीं देखा गया कि आप लाइसेंस जो है डिस्क्वालीफाई कर दो, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है, प्रैक्टिकली इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता है, ना बड़े जो जो फाइन्स होते हैं उसका, ना ही लंबे टाइम तक डिस्क्वालीफाई करना, ये इलाज नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर देखा ही नहीं गया है, इग्नोर किया गया है और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जबकि इनका फर्क जो है इतना नहीं पड़ता, ये स्टडीज बहुत कंट्रीज में हो चुकी हैं। तो यही बस इशू है कि प्रॉपर तरीके से आप डेटा ड्रिवन अप्रोच से और उसमें पॉलिसीज बनाओ और अननेसेसरी का फियर और प्रेशर ना क्रिएट करके ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखें जहां सब स्टेक होल्डर्स का जो है इन्वॉल्वमेंट हो। यूं नहीं कि लोग जनता जो है वो सरकारों को ऐसे देख रही है कि बस ये तो लूटना चाहते हैं, इनका कोई सुधार नहीं हो, कि ये भी चीज़ बहुत सच है। जब कोई इंसान हज़ारों का फाइन देता है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि रोड पे गड्ढे नहीं हो, रोड के ऊपर जो है पानी नहीं भरा हुआ हो और अननेसेसरी के ऑब्स्टेकल्स ना हो और ट्रैफिक लाइट सही तरीके से काम करें। यूं नहीं कि कहीं पर तो वो बार बार ओपन हो रही है 10 सेकंड में, कहीं पर जो है लोग 15 मिनट से खड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत जो है फ्रस्ट्रेट करती हैं। तो ये आज का लेसन था और इसके ऊपर आप एक कमेंट कीजिए इस आर्टिकल के इशू के ऊपर कि सही अप्रोच कैसे हम लगाएं, पॉलिसीज में क्या कमी है, और फाइन के ऊपर कमेंट कीजिए जो लगाया गया है। तो ये 250 वर्ड्स में आप लिख सकते हो ये जो क्वेश्चन है। तो ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे, थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।